बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो जी हाँ, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म का मटन कढ़ाही। ये बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में बनेगा और बहुत ही झटपट से बन जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने इतने मज़े की जो मटन कढ़ाही कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें डालूँगी तकरीबन दो से तीन टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, बस, क्योंकि जो मटन है उस पर फैट भी है, तो इसलिए मैं ऑयल का इस्तेमाल कम करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारे टमाटर, ये 3 से 4 टमाटर हैं इसमें डालेंगे। टमाटर थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको ज़रा मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी मटन, ये तकरीबन 1 किलो मटन है, इसमें मैं फैट भी लिया है और साथ में मैंने ली है इसके हड्डी का गोश्त भी है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ही झटपट से ये कढ़ाई मटन कढ़ाई रेडी हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला आपको खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी ये। अब साथ ही मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ मैं इसमें डालूंगी सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ, 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला है जिसमें 2 से 3 लौंग हैं, 3 से 4 काली मिर्ची हैं और ज़ीरा है तकरीबन, 3 छोटी इलायची, 2 चम्मच। देखिए इसमें फैट भी है और हड्डी का गोश्त भी मैंने लिया, तो इसलिए इसमें हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस, हल्दी 1 टीस्पून है, नमक सॉल्ट यानी 1 टेबलस्पून, और लाल मिर्च भी 1 टेबलस्पून है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी इसी तरह से, ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से गोश्त को लग जाएं। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट भून लिया, अब मैं इसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी डाल दूंगी, और मुझे ये पानी थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी और ऐड करूंगी, ये तकरीबन 1.5 ग्लास पानी हो जाएगा। और हम इसको प्रेशर कुकर पे चला लेंगे ज़रा, पंद्रह मिनट तक मैं इसको रखूंगी और उसके बाद इंशाल्लाह खोल के देखते हैं। ये तकरीबन 20 मिनट हो गए, ये देखिए मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लूँ, बिस्मिल्लाह। अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, बस इसको तकरीबन 5 मिनट मैं इसको तेज़ आंच पे भूनूंगी ताकि जो है ये पानी खुश्क हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 नींबू का रस, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे लेमन यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ी सी तकरीबन 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। अब मैं इसमें तकरीबन डालूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें, हरी और सुरख, ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन। अब इसको हम तकरीबन इसका
ऑयल आने तक इसको भून लेंगे और हमारी मज़ेदार मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। कितने कम टाइम में हमने मज़ेदार किस्म की कढ़ाई रेडी कर ली है। फ्लेम मैंने तेज़ कर दी है ताकि बस एक दो मिनट में ऑयल जो है वो बाहर आ जाए और हमारी कढ़ाई रेडी हो जाए। और अब अगर अभी तक आपने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सके। इसको ऑयल आ गए और अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और ये बड़े अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। देखिए दोस्तों ऑयल जो है वो बिल्कुल बाहर आ गया है, अब मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। तो व्यूज़ मैंने इसको डिश आउट कर लिया, उम्मीद करती हूँ कि झटपट सी मटन कढ़ाई आपको पसंद आई होगी। 2 में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।